हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सट्राइड योर नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। आज हम कवर करेंगे 12th और 13th फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द डिजिटल पेमेंट्स उत्सव इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव को किसने लॉन्च किया है? ये ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अश्विनी वैष्णव, सी ऑप्शन अमित शाह, डी ऑप्शन पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। पर्पस है प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश भर में डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना इसका पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनोग्रेटेड अरेबिक अकेडमी इन मुंबई। तो मुंबई में अरेबिक अकेडमी को किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन अमित शाह, डी ऑप्शन पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिमाचल निकेतन इन द सिटी। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस सिटी में हिमाचल निकेतन की फाउंडेशन स्टोन रखी है? ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन शिमला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन न्यू दिल्ली। अबाउट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश फाउंडेड हुआ था 1971 को। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है समर शिमला में, विंटर धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेजिडेंसी इज स्टार्टेड इन विच सिटी। तो इंडिया प्रेजिडेंसी के अंडर फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को किस सिटी में शुरू किया गया है? ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन बेंगलुरु। थीम है लाइफ इज एन इम्पोर्टेंट एंड क्रॉस कटिंग G20 इन न्यूज़। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग न्यू दिल्ली, फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग दौरदो इन रन ऑफ कच्छ गुजरात, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूथ 20 ग्रुप गुवाहाटी, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च द फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स इन इंडिया। तो किस कंपनी ने इंडिया में ड्रोन्स के लिए फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? ए ऑप्शन स्काई एयर ऑन, बी ऑप्शन स्काई लार्क ड्रोन टेक, सी ऑप्शन आइडिया फॉग, डी ऑप्शन तेजा एरोस्पेस एंड डायनेमिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन स्काई एयर ऑन। अनवील्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया नितिन गडकरी। तो इसे अनवील्ड किया गया है हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फ्री राशन टू दोज फैमिलीज हु डू नॉट हैव राशन कार्ड। तो इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव है कि उन फैमिली को फ्री में राशन प्रोवाइड करना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अबाउट यूपी, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। यूपी फाउंडेड हुआ था 24th जनवरी 1950 को। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश, स्टेट ट्री है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ए ऑप्शन 10th फरवरी, बी ऑप्शन 11th फरवरी, सी ऑप्शन 12th फरवरी, डी ऑप्शन 13th फरवरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 13th
February. The theme for the 12th edition of the World Radio Day is Radio and Peace. Next question है, the 3-day 12th World Hindi Conference will be held in which country? तो 3-day 12th World Hindi Conference को किस कंट्री में आयोजित किया जाएगा? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन फिजी, सी ऑप्शन यूके, डी ऑप्शन यूएसए. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन फिजी. ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया विद द गवर्नमेंट ऑफ फिजी. तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जे शंकर और फिजी की गवर्नमेंट के साथ. द मेन थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. अबाउट फिजी, फिजी की कैपिटल है सूबा, फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर, प्रेजिडेंट है फिजी के विलियम कोटेनी वेरे, पीएम है सितिवेना रेबुका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इज सेट टू बिगिन इन विच सिटी. तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस सिटी में शुरू होने के लिए पूरी तरह सेट है? ए ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन दुबई, सी ऑप्शन पेरिस, डी ऑप्शन टोक्यो. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन दुबई. थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, दिस समिट एम टू ड्राइव पॉजिटिव चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली में इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के किस एडिशन को आयोजित किया गया है? ए ऑप्शन 10th एडिशन, बी ऑप्शन 11th, सी ऑप्शन 12th, डी ऑप्शन 13th. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 11th. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो लॉन्च ए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फ्रॉम श्रीहरिकोटा, व्हाट इज इट्स नेम. तो रिसेंटली इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है. तो इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? ए ऑप्शन SSLV-D2, बी ऑप्शन SSLV-D3, सी ऑप्शन PSLV-C2, डी ऑप्शन PSLV-D2. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन SSLV-D2. अबाउट इसरो, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु. इसरो फाउंडेड हुआ था 15th अगस्त 1969 को. इसरो के चेयरपर्सन है एस सोमनाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विद मैटी. तो किस कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल सुरक्षा कैंपेन को लॉन्च किया है? ए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन एप्पल, सी ऑप्शन एडोब, डी ऑप्शन मेटा. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन मेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्पा साहेब धर्म अधिकारी हैज ऑनर विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022, हु इज ही. तो अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को ईयर 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है, वह कौन है? ए ऑप्शन राइटर, बी ऑप्शन पॉलिटिशियन, सी ऑप्शन थिएटर आर्टिस्ट, डी ऑप्शन सोशल वर्कर. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन सोशल वर्कर. रीसेंट अवार्ड्स, गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 राखी कपूर फॉर नाउ यू ब्रीथ, हुरन इंडिया अवार्ड्स 2023 बीपी नंदा कुमार, मथुरा भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 पैगी मोहन, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके फॉर्मर इंडिया पीएम मनमोहन सिंह. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड न्यू गवर्नर इन 13 स्टेट्स. तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 स्टेट में न्यू गवर्नर को अपॉइंट किया गया है. उनके नेम है जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक. इन्हें अपॉइंट किया गया है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में. सेकंड, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपॉइंट किया गया है सिक्किम के गवर्नर के रूप में. थर्ड, सीपी राधाकृष्णन को अपॉइंट किया गया है झारखंड के गवर्नर के रूप में. फोर्थ, शिव प्रताप शुक्ला को अपॉइंट किया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में. फिफ्थ, अब्दुल नज़ीर को अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में. सिक्स्थ, गुलाब चंद कटेरिया को अपॉइंट किया गया है असम के गवर्नर के रूप में. सेवन्थ, जस्टिस
बिश्वा भूषण हरिचंदन को अपॉइंट किया गया है छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में। पहले जी गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के, 8th अपॉइंट किया गया है अनसुईया यूके को मणिपुर के गवर्नर के रूप में। पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर थी। 9th अपॉइंट किया गया है एल ए गणेशन को नागालैंड के गवर्नर के रूप में। पहले ये मणिपुर के गवर्नर थे। 10th अपॉइंट किया गया है फग्गू चौहान को, ये पहले बिहार के गवर्नर थे, अब इन्हें मेघालय के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। 11th राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपॉइंट किया गया है बिहार के गवर्नर के रूप में। पहले जी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। 12th रमेश बायस को अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में। पहले जी झारखंड के गवर्नर थे। 13th अपॉइंट किया गया है बीडी मिश्रा को, पहले जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब इन्हें लद्दाख के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो बस इतनी तक की थी। मिलता विशाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर रोज़ कुछ नया सीखते रहो और अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।